क्या हुआ, मुश्किलें बढ़ गई। सुनो, मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह के उतने करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें उतनी छोटी होती जाएंगी। उर्दू प्रोडक्शंस में खुश आमदीद, अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो बेहतरीन इस्लामी अकवाल पर मबनी है जिन पर अमल करके आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए। जब तौबा बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए और एक बार फिर नए अज़म के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर ग़ालिब है, मगर तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करना चाहिए। बोलना चांदी है और खामोशी सोना है। गीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिस्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुछ को पहली बार में दे देता है और कुछ ही आवाज को शायद बार बार सुनना चाहता है, और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी आवाज को वो बार बार सुनना चाहता है। शरीफ वो नहीं जो चुपचाप सुन बर्दाश्त करता रहे, शरीफ वो है जो जालिम की बगावत करे और मजलूम की हिमायत करे। लोगों की गालियां, बदतमीजियां, बदअखलाकियां परेशानी की बात नहीं बल्कि एक क्रेडिट है जिसे तुम कयामत में कैश करोगे, यानी उन बदअखलाकियों के बदले तुम उनकी नेकियां लोगे। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। जिस तरह शबनम के कतरे से मुरझाए हुए पौधों में ताजगी और चांद पड़ जाती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, उन्हें पुरउम्मीद बनाते हैं। एक दूसरे की बात करने के बजाय एक दूसरे से बात कीजिए तो जिंदगी आसान बन जाएगी। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो ताकि वहां की इज्जत और राज दोनों महफूज रहे। किसी गुनाहगार की सबसे बड़ी पकड़ यह है कि वो इस दुनिया से बगैर तौबा के चला जाए। जब आप नंगे पांव हो और खुदा आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। जो बुरे आदमी की सोहबत इख्तियार करता है वो सलामत नहीं रहता। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की जात से, वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। जिंदगी को कभी आखिरी मंजिल मत समझें, जिंदगी एक सफर है और सफर में आने वाली तकलीफें सफर गुजरने के साथ खत्म हो जाती हैं। आपकी आखिरी मंजिल आखिरत है, आखिरत बनाने की मेहनत करें। क्या हुआ, मुश्किलें बढ़ गई। सुनो, मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह के उतने करीब होगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें उतनी छोटी होती जाएंगी। असल रोशनी वो है जिससे आपका दिल रोशन हो जाए, और ये रोशनी सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है। दिल की पाकीजगी के लिए नजरों की पाकीजगी शर्त है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ है, उसकी अय्यारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा इंसाफ रखता है। इंसान को वहां आकर ठोकर लगती है जहां उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज्यादा यकीन होता है। सहरा में कश्ती वही बनाते हैं जिन्हें खुदा की रहमत पे भरोसा हो। वो जानते हैं कि खुदा भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं, मौज से उन्हीं लोगों का मुकद्दर हुआ करते हैं।
सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है कि किसे कब कहा और कितना अता करना है। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। जब आप अल्लाह की खातिर खुद को बुराई से रोकते हैं तो अल्लाह आपको कभी बुरों के हाथों रुसवा नहीं करता। छिन जाने में भी मसलहतें खुदा होती है, हर चीज का पास रहना भी अच्छा नहीं होता। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती मोहब्बत और रिश्ते क्या है। तकदीर का कलम अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह को राजी करो। अपनी अगर कीमत बढ़ानी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बन जाओ। तौबा बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए और एक बार फिर नए अजम के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पर गालिब है, मगर तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करना चाहिए। बोलना चांदी है और खामोशी सोना है। गीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिस्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुछ को पहली बार में दे देता है और कुछ ही आवाज को शायद बार बार सुनना चाहता है, और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी आवाज को वो बार बार सुनना चाहता है। शरीफ वो नहीं जो चुपचाप सुन बर्दाश्त करता रहे, शरीफ वो है जो जालिम की बगावत करे और मजलूम की हिमायत करे। लोगों की गालियां, बदतमीजियां, बदखलाकियां परेशानी की बात नहीं बल्कि एक क्रेडिट है जिसे तुम कयामत में कैश करोगे, यानी उन बदखलाकियों के बदले तुम उनकी नेकियां लोगे। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। जिस तरह शबनम के कतरे से मुरझाए हुए पौधों में ताजगी और चांद पड़ जाती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, उन्हें पुरउम्मीद बनाते हैं।